हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी फ्रेंड जुड़ जाएं और जो भी साथी न्यू जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आज हम देखेंगे मात्रा तथा बीमा का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसके झा के बुक से है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? एक माइक्रो बराबर होता है 10^-6 मीटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन ये बार बार आता है। या तो आप बोल सकते हैं इसको 0.0011 बोल सकते हैं, इतना होता है, मिलीमीटर होता है ये। ठीक है, आप इतना भी बोल सकते हैं इसको। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर बराबर 10^-6 मीटर। विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होता है? ये आपका होता है कूलम्ब। विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलम्ब। विस्थापन की एसआई इकाई क्या होता है? तो आपका मीटर हो जाएगा। विस्थापन एक तरह का दूरी होता है और दूरी जो मापी जाती है वो आपका मापी जाती है थी में, लंबाई मतलब हो गया मीटर में मापा जाता है। कौन सी भौतिक मात्रकाओं की इकाई एक समान होती है? तो कार्य और ऊर्जा ऐसी राशि है दोनों की मात्रा जो होता है एसआई मात्रक एक ही होता है, जूल होता है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? दूरी का। राइट आंसर दूरी का। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होती है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति की इकाई क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का सही मात्रक जूल। दाब का सही मात्रक पास्कल। दाब की एसआई इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट कहलाती है एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। इसे मापा जाता है एस्ट्रोनॉमिक यूनिट से। बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट, न्यूटन मीटर 2kg-2 की इकाई जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण के सर्वमानिक नियतांक होता है। गुरुत्वाकर्षण का सर्वमानिक नियतांक होता है। गुरुत्वाकर्षण के सर्वमानिक नियतांक होता है। प्रतिरोधकता के सही मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता के सही मात्रक ओम मीटर। इन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है, बल और उत्क्षेप बल के एक ही होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है? एसआई मात्रक है त्वरण का। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर पर सेकंड। वजन और बल की इकाई न्यूटन होता है। ठीक है, बल की। कौन सी तापमान का सही मात्रक होता है? केल्विन। तापमान जो होता है केल्विन होता है। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष नहीं है? समय। समय किसी का सापेक्ष नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए वजन और बल जो होता है वो इसका सही मात्रक न्यूटन होता है। तापमान किसका सही मात्रक है? केल्विन का। ये क्वेश्चन पढ़े थे। भौतिक राशियों में किसकी सापेक्ष राशि नहीं होती है? समय का। नेक्स्ट है, एक एटमोस्फियर बराबर क्या होता है? 1.01×10^5 पास्कल होता है। कार्य का सही मात्रक जूल होता है। ये क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है, हजारों बार। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सम्मिलित नहीं है? अब बताइए इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपका ध्वनि का सही मात्रक डेसिबल सही है। शक्ति का सही मात्रक अश्वशक्ति सही है। समुद्री मिल जाता है नौ चालकों के द्वारा होता है सही है। लेकिन डॉप्शन जो है ये आपका गलत है। ठीक है,
भार की एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। संवेग की इकाई होता है केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? अश्व शक्ति होता है। उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति होती है। किसकी कोई इकाई नहीं होती, सापेक्षित घनत्व का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। प्रदीप्त का माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग क्या करने लिए की जाती है? लक्स का। इसका उपयोग किया जाएगा लक्स का। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड। किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? शक्ति का। शक्ति की इकाई ऊर्जा के समान होती है कार्य का। किसकी इकाई ऊर्जा के समान होती है? कार्य का। नेक्स्ट कहता है सुमेलित कीजिए। देखिए ये बल का ऐसा मात्रक होता है, न्यूटन होता है। बल का न्यूटन, कार्य का जूल, आवेग का न्यूटन सेकेंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सही दोस्तों। कोणीय विस्थापन का ऐसा मात्रक तो आपका रेडियन हो जाएगा। एक पारसेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन पढ़े की, एक पारसेक 3.2 प्रकाश वर्ष, एक नैनो आप पढ़े हैं 10^-9, वही है 1/10^9। जब उसको ऊपर करेंगे तो इतना ही आएगा। एक पिको 10^-12, पिको होता है 10^-12। एक जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर। पास्कल की ऐसा मात्रक जो होता है दाब होता है, दाब होता है। कैंडला ये ज्योति तीव्रता का होता है, कैंडला ज्योति तीव्रता। पारसेक जो होता है दूरी मापने की इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, ठीक है। पारसेक क्या है दोस्तों? पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। आज दोस्तों हम यहीं तक, ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रट जाएं इसको, ठीक है। और जो भी साथी न्यू जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और अधिक वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम चलेंगे, दूसरे दिन चलेंगे आपका सदिश और अदिश को लेकर के, ठीक है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।